दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुजरात के सरकारी स्कूलों पर छापा मारा तो उसका असर गुजरात की राजनीति में दिखाई देने लगा है। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे पर कहा कि गुजरात के 20,000 स्कूलों को आधुनिक बनाया जाएगा, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम, लैब आदि बनाए जाएंगे। पीएम मोदी के इस बयान को आम आदमी पार्टी अपनी जीत बता रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर पीएम मोदी और गुजरात सरकार को सरकारी स्कूलों की इतनी परवाह थी तो अब तक स्कूलों को स्मार्ट बनाने से किसने रोका था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जब तक हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। भारत के लोगों में बहुत काबिलियत है। हम सब सरकारों को मिलकर सही नियत और लगन से काम करने की जरूरत है। वहीं केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शिक्षा पर नया गीत भी लॉन्च किया है, जिसमें दिल्ली के सरकारी स्कूल में सुधार को दिखाया गया है। पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए। दिल्ली में शिक्षा पर बने इस नए गीत में दिखाया गया है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिसमें डिग्री के साथ साथ किसी भी तरह की नफरत से दूर वो अच्छे नागरिक बन पाएंगे। पंजाब में कामयाबी के बाद केजरीवाल मॉडल के सहारे, आम आदमी पार्टी गुजरात में भी स्कूल और अस्पताल के नाम पर वोट मांग रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसकी वजह से पीएम मोदी सहित गुजरात के नेता असल मुद्दों पर बात करने को मजबूर हो गए हैं। क्या शिक्षा और स्वास्थ्य गुजरात के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन पाएंगे? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे।